उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। प्रयागराज में योगी सरकार ने कार्रवाई करने के बाद इन जमीनों को उसके कब्जे से मुक्त कराया था। सीएम योगी ने पिछले साल ही ऐलान करते हुए कहा था कि इन जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज के लूकरगंज की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत बन रहे इन फ्लैट्स के आवंटन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीडीए ने रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट अपडेट कर दी है और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 जुलाई है। पीडीए इन सभी आवेदनों को जांच के लिए पहले सूडा को भेजेगा और सूडा द्वारा निर्धारित मानकों की जांच के बाद ही पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। पीडीए सूचियों को बनाने के बाद लॉटरी निकालेगा और फ्लैट आवंटन प्रक्रिया को पूरा करेगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया पर खरे उतरने पर इस योजना का लाभ हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले इस योजना में आवेदक को प्रयागराज के शहरी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है और दूसरा ये कि इसके साथ ही आवेदक की सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय लिए जाने वाले 5,160 रुपए के शुल्क को आवास आवंटित नहीं होने की स्थिति में पीडीए वापस भी कर देगा। केवल 160 रुपए का फॉर्म शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पीएम आवास योजना में आवेदन कैसे करना है। दरअसल आवेदक को पीडीए की वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। इसके लिए आवेदक को अथॉरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और वहां पर जनहित सेवाओं के कॉलम में जाकर पीडीए का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद अपना अकाउंट बनाना होगा और फिर उस अकाउंट के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस भी रजिस्ट्रेशन के समय ही ऑनलाइन पेमेंट के जरिए जमा करनी होगी। आपको बता दें कि शहरी आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, विधवा और एकल महिला और वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता दी जाएगी।